Γιώργη. Ασύ βότα νου αντί έτσι να είναι κλαμπνού βότσια Γιώργη τα. Και του παλί είναι βότσια Γιώργη τα. Άρσνε βέτσι μη είναι κομπάνι που μου γίνει να μην χράει σαρά έρεσε Γιώργη Πραγούλ Βερμά. Πρδάν. Καλέ μην του παλί, θέλε τάψη παλί, παπίτι. ਮਨੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਏਗਾ ਸੀਨਾ ਸਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਦਸ਼ਰਤ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੈ महाराज की जय हो महाराज जब तक प्रजा के सिर पर आप जैसे राजा का हाथ है जब सारी प्रजा सुखी और सुख में है महाराज दरबार में सरवर जी आए हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आया जाए जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में उपस्थित करो जो आज्ञा महाराज हेलो 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 महाराज प्रणाम आयुष्मान भव मुनिवर जी प्रणाम आयुष्मान भव हे श्रवण कुमार तुम जैसे पितृ भक्त को देखकर मैं मेरा मन प्रफुल्लित हो गया कहो श्रवण कुमार कैसे आना हुआ तुम्हारे माता पिता सब कुशल से तो हैं महाराज भला आपके राज्य में हम एक कष्ट हो सकता है किंतु महाराज हाँ हाँ श्रवण कहो निसंकोच होकर कहो महाराज मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं मैं उसी के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है श्रवण कुमार यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा सकता हूँ इस कार्य के लिए भला हम तुम्हें कैसे रोक सकते हैं श्रवण तुम्हारे जैसा पितृभक्त हमारे राज्य में है इससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है हे श्रवण जाओ और खुशी से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाओ और हमारी ओर से किसी भी तरह की यदि कोई सहायता चाहिए तो हम अवश्य देंगे नहीं महाराज मुझे तो केवल आपकी आज्ञा ही लेनी थी हे श्रवण हमारी ओर से तुम्हें पूर्ण आज्ञा है परंतु हमें एक छोटी सी शंका सताई जा रही है कहते हो महाराज कि तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा किस तरह करवाओगे महाराज बनाकर काट का कावट उन्हें उसने भी खाऊंगा उस खादर कांधे और अपने उन्हें तीर्थ करवाऊंगा प्रभु जो साथ है मेरे ये काम ना मुश्किल है मिलेंगे चैन उनको मैं अपना ऋण चुकाऊंगा अत्यधिक प्रसन्नता पूर्वक बात की है तुम्हारी इस बात
तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। हे श्रवण, जाओ और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाओ और खुशी खुशी हमारे राज्य में पुनः वापस आओ। भगवान सूर्य, भगवान चंद्र को तुम्हारी यात्रा को सफल करें, ये हमारा आशीर्वाद है। जो आगे महाराज, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी तरह यह सभा पुनः लगाई जाएगी। तब तक के लिए सभी विश्राम कीजिए। चलते दिन ना।
निर्मल जल का तालाब तो मेरे पास नहीं है। मैं अभी जाता हूँ और जल भरकर अपने माता पिता की प्यास बुझाता हूँ। मंत्री जी तैयार हो जाओ, हमें लगता है कोई घनघोर जानवर यही पर है। इससे पहले कि वो हम पर आक्रमण करे, हमें शीघ्रता पूर्वक उसे वहीं के वहीं खत्म कर देना चाहिए। बोलता हूँ मैं अभी इस शब्द फेरी हेलो हेलो देखते ही देखते ले लेता उनके प्राण को। Oh,
माता पिता की सेवा करने वाले पितृ भक्त, तुझ पर भान चलाने वाले इन हाथों को दया कर। यही शब्द मेरी बात जो आज तुम्हारे सीने पर छल कर रहा है, इसी दुष्ट दशरथ के भाव के चलाए। महाराज महाराज, जो कुछ मेरे भाग मिलकर वो तो पूर्ण हो गया महाराज। नहीं श्रवण, ऐसा मत कहो। हे भगवान, जो मेरे लिए उचित धन हो वही देना। महाराज आप अधिक मत रोए, बस इतना कीजिए, मेरे माता पिता कुछ ही दूरी पर बैठे हैं, वो बहुत देर से प्यासे हैं, कृपया करके उनको ये जल ग्रहण कर दिए महाराज। महाराज महाराज एक कृपया और कीजिए। बोलो श्रवण। महाराज बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया करके मेरे सीने से ये बाहर निकाल दीजिए महाराज। श्रवण नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दे सकते। हम तुम्हारा उपचार करवाएंगे। महाराज उपचार नहीं, मुझे तो इस दुनिया से जाने का रास्ता बताइए महाराज। नहीं श्रवण, मंत्री जी शीघ्रता पूर्वक जाइए और अच्छे से अच्छे वैद्य को लेकर आइए। महाराज वैद्य को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम धीरज धरो श्रवण। महाराज जिस तरह से आपने ये बाग मेरे सीने में बाग मारा है, इससे कोई उपचार नहीं, सीधा यमपुरी को जाने का रास्ता है महाराज। नहीं श्रवण, महाराज भगवान ने ईश्वर ने जो मेरे को साथी है वो आज पूरे हो गए महाराज। ऐसा मत कहो श्रवण, अभी तुम्हें और अधिक जीना है। महाराज अधिक जीना नहीं, आपने ये सीने जो मैं जो बाल मारा है उससे तो स्वयं पता चलता है कि शर्मन इस दुनिया में अब नहीं रहा। नहीं श्रवण नहीं। महाराज मुझे लगता है कि मेरे प्राण त्यागने का समय हो गया है। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे श्रवण। महाराज थोड़ा धीरे करो, मंत्री जी जल्दी जाओ महाराज, जाओ और मैं तो लेकर आओ श्रवण के लिए। महाराज बहुत पीड़ा हो रही है, कृपया करके मुझ पर एक कृपया कर दीजिए महाराज, मुझे सीने में बांध का दीजिए महाराज। महाराज कोई आवश्यकता नहीं है व्याप को बुलाने के लिए। थोड़ा धीरे करो, यदि तुम कहते हो तो बांध में निकाल देता हूं। और
स्वामी न जाने हमारा बेटा कहाँ चला गया, लगता है ये लाशें बड़े दूर था। बेटा शरबत तुम आ गए, बहुत देर लगा दी बेटा, क्या जलाशय दूर था। बेटा तुम बोलते क्यों नहीं, कृपया जल ग्रहण कीजिए। बेटा शरवण तुम्हारी आवाज भारी क्यों है, तुम मेरे बेटे शरवण ही हो ना। क्या कहूं कैसे कहूं, झूठ बोल दो नहीं, दशरथ कभी झूठ नहीं बोल सकता। खैर अब जो होगा देखा जाएगा। मैं आपका पुत्र श्रवण तो नहीं हूं, परंतु आपके लिए जल अवश्य लेकर आया हूं। कृपया आप सर्वप्रथम यह जल ग्रहण कीजिए और अपने रात को जाइए। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तू कोई और है। अरे तुम चुप क्यों है, जल्दी बताओ कि हमारा बेटा शरवण कहाँ है, वो तो जल लेने गया था। हे देवो, आपका पुत्र श्रवण कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। क्या कहा, मृत्यु हो गई, नहीं उठापे में तुम्हारी होगी।
विधाता, ये दोनों भी अपने अंतिम सांस ले चुके। ओ पापी दशरथ, आज तेरे माथे पर ये कलंक का टीका लग गया। आज तीन तीन निर्दोष लोगों की हत्या, तीन तीन निर्दोष लोगों की हत्या करके तू महापापी बन गया दशरथ। खैर खैर, मुझे इस बात का संतोष है कि नंदे मां बाप ने जो मुझे श्राप दिया है, उस श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूं। इन्होंने मुझे जो श्राप दिया, मेरे लिए वो अच्छा है, क्योंकि इन्हीं दोनों के श्रापों के कारण इस अभाग्य के घर बच्चा है, इस अभाग्य के घर बच्चा है। आप तो चले गए, परंतु आपके लिए श्राप मुझे विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं परमात्मा अवश्य है। मंत्री जी शीघ्रता पूर्वक इन दोनों अंधे माता पिता की अंत्येष्टि की भी तैयारी करवाइए। जो आ गया महाराज, और इतना ध्यान रहे कि इनकी अंत्येष्टि में किसी भी प्रकार की कोई कमी